दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की रफ्तार। कानपुर में आज लाजपत भवन में अमरनाथ जन कल्याण फाउंडेशन की ओर से दिव्यांग कलाकार के मंच का आयोजन हुआ। इसमें मुंबई से आए इंडियाज लाफ्टर चैंपियन व तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम कॉमेडियन जय चनियारा और भाभी जी घर पर है कि फेम अनु अवस्थी ने अपने कानपुरी अंदाज में लोगों का जबरदस्त मनोरंजन किया। कार्यक्रम में दिव्यांग छात्राओं ने भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। दिव्यांग बच्चों को पुरस्कार से नवाजा गया। संचालन प्रतीक त्रिवेदी ने किया। इस मौके पर फाउंडेशन के संस्थापक विपिन दीक्षित आदि सभी उपस्थित रहे। कानपुर से बोल रहे अनु अवस्थी, पहचान तो है। आज हमारे शहर में पहली बार विकलांग कहना अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा शब्द हमको पता नहीं, तो क्या कहें, मतलब बहुत अच्छा, सबसे अच्छा प्रोग्राम समझ लो हो रहा है और इतनी खुशी है। उन बच्चों को मौका मिल रहा है जिन बच्चों को शायद कभी मौका नहीं मिला, स्टेज में उनको मौका दिया गया। विपिन दीक्षित जी, मंजू आनंद जी, विजय आनंद जी और पूरा इनके साथ जुड़ी हुई टीम, तो बहुत बहुत आयोजक मंडल को धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए कानपुर में और इसी तरह से सबको मौका मिलना चाहिए, जौनी तरह से हमका मौका देने ना कानपुर वाले। इसमें से भी जरूर कोई बच्चा एक अनु अवस्थी बन के निकलेगा और बम्बई में जाके झंडा अपना गाड़ दे। हाँ, मेरा नाम विपिन दीक्षित है और आज हम ये जो कार्यक्रम करा रहे हैं वो दिव्यांग बच्चों के लिए करा रहे हैं कि उनको हम एक मंच दे रहे हैं जिसके द्वारा उस मंच पर वह जाए और आगे बढ़े। ये कार्यक्रम लगभग विगत कितने वर्षों से आप कराते चले? नहीं सर, ये विगत वर्षों से नहीं है, क्योंकि ये जो फाउंडेशन बनाई है वो अभी हम लोगों ने नई फाउंडेशन बनाई है और एक सोच और एक पहल के साथ इस कार्यक्रम को हमने प्रारंभ किया कानपुर से। आगे हम बढ़ते रहेंगे जहाँ तक हमारा कारवा जाएगा। हमारे सारे सात लोग हैं, हमारे साथ डॉक्टर साहब बैठे हैं जी टी वी हॉस्पिटल के, हमारे साथ सी ए है, हमारे साथ हर प्रोफेशन के लोग जुड़े हुए हैं। आपका जो ये अमरनाथ सेवा मंडल है, इसका मेन मोटो क्या है? दिव्यांग बच्चों के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं करना, कैसे क्या करना, ये मेन? हाँ, अमरनाथ जन कल्याण मंडल का मेन उद्देश्य जो है वो समाज में फैली हुई कुरूतियों को, समाज में फैले हुए चीज़ों पर हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने इस पर जो काम किया तो हमारा मेन उद्देश्य यही था कि आप विकलांगों को विकलांग ना कह करके दिव्यांग कहें और उन्हें आप उनके ऊपर दया ना दिखा करके उन्हें आगे बढ़ने के उनकी सहायता करें, उनके साथ दें, उनका सहयोग करें। आम जनमानस के लिए जो, जैसा कि दिव्यांग बच्चों के लिए जो बात है, तो उस पर क्या मैसेज देना चाहिए? हाँ, जनमानस के लिए मैं यह मैसेज देना चाहूँगा, मैंने अपने पहले शब्दों में भी बोला कि जनमानस के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि दिव्यांगों के ऊपर आप दया न करके उन्हें प्रोत्साहित करें और आगे बढ़ने में उनकी मदद करें। नमस्कार, मैं कॉमेडियन जय छनियारा गुजरात के राजकोट से, और मेरे परिचय की अगर बात करें तो चार लाइन में उसका जवाब देना चाहूँगा कि है परिचय मेरा मंदिर के भगवान से, मस्जिद का खुदा भी मुझे जानता है, मैं अपनी पहचान क्या दूं आप सबको, जमाना मुझे जय छनियारा के नाम से। आप कानपुर में आ गए हैं ये फाउंडेशन के कार्यक्रम में, क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम? और ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर, और ये फाउंडेशन, अमरनाथ फाउंडेशन और ये संस्था जो बेहतरीन काम कर रही है, याद रखिए आपके पर सेवा का पैसा जब पर सेवा में लगता है ना, तभी जीवन सार्थक बनता है। मैं पूरी टीम को सलाम करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ पर बुलाने के लिए।